जब एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा एक फेमस क्रिकेटर बन सकता है तो सोचो तुम क्या नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेमस क्रिकेटर सिक्सर किंग क्रिस गेल की, जिन्हें बचपन में पेट पालने के लिए कूड़ा उठाना पड़ा। पैसे नहीं रहने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। पेट की भूख मिटाने के लिए उन्हें चोरी भी करनी पड़ी, पर उन्होंने अपना क्रिकेट खेलने का पैसन नहीं छोड़ा, क्रिकेट खेलने का सपना नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्त, ये किस्मत का नहीं मेहनत का खेल है, सफलता पाने के लिए पागलपन का खेल है। क्योंकि लोग तुम्हें बोलेंगे तुम वही करो जो सब कर रहे हैं, तुम्हें लोग बोलेंगे ये चीज़ मत करो इसमें खतरा है तुम हार जाओगे, पर तुम खुद को बार बार बोलते हो मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं इसी चीज़ के लिए बना ही हूँ। तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर तुम वही करते हो जो सब करते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने के लिए जी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं। क्योंकि दोस्त, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम आज कितना दुख में हो, लेकिन किसी दिन तुम पीछे मुड़कर जरूर देखोगे और बोलोगे जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ उन्हीं तकलीफों ने मेरी किस्मत बदल दी, मेरा तकदीर बदल दिया है। सोचो, अगर न्यूज़पेपर बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति और साइंटिस्ट बन सकता है तो तुम क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो तमिलनाडु में एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता नाव चलाते थे, पिता की मदद करने के लिए उन्हें स्कूल के बाद अखबार बेचना पड़ता था। और ये बात हमेशा याद रखना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में खुश रहने के बस दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, नहीं तो जो हासिल कर लिया है उसे पसंद करो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ना दोस्त, धूप चाहे जितनी भी तेज हो समंदर नहीं सुखा सकती। इसलिए अपने विश्वास को और हिम्मत को समंदर की तरह इतना बड़ा और इतना गहरा बना लो कि तेरे हिम्मत को और विश्वास को कोई तोड़ क्या हिला भी ना सके। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई दूसरा कर लेगा इस काम को, तो होंडा कंपनी के फाउंडर सुचिरो होंडा को याद कर लेना, जिन्होंने टोयोटा कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उन्हें उस नौकरी से बेइज्जत कर निकाल दिया गया। इस बंदे में इतना पागलपन था कि उसने ठान ली कि वो भी टोयोटा कंपनी की जैसी ही एक कंपनी खोलेगा जो पूरे वर्ल्ड में टोयोटा कंपनी को चुनौती देगी। और उन्होंने ऐसा ही एक कंपनी बना डाला जो पूरे वर्ल्ड में होंडा नाम से जानी जाती है। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में चुनौतियां बहुत आती है, पर उभरता वही है जो उन परिस्थितियों से लड़ता है, हार नहीं मानता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। क्योंकि जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्त, तुम आज ही ठान लो तुम इतिहास रचने आए हो, ना कि इतिहास पढ़ने। और ये बात हमेशा याद रखना, ठुकरा दिया जिन्होंने तुझे तेरा वक्त देखकर, कसम खा ऐसा वक्त लाएगा कि मिलना पड़ेगा उनको तुझसे वक्त लेकर। क्योंकि दोस्तों, तुम्हें हर चीज़ मिलेगा तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा, बस तुम मेहनत तो करो, अपने कदम तो बढ़ाओ। और ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती है जो तुम्हें चाहिए, बल्कि जिंदगी तुम्हें वो देती है जो तुम्हें हर हाल में चाहिए। तो दोस्त, वीडियो देखने के बाद अगर तेरे अंदर भी जीत की चिंगारी जली होगी तो हमारे चैनल फैक्ट सूत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे तुम्हें मोटिवेशन की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे।